नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के यूज़ की बात हो रही है इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर कि जो इंफॉमेसन की सर्चिंग और उसकी एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल होता है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंट फिल्टरिंग टूल्स का या इंटेलिजेंट फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर का तो आइए देखते हैं ये क्या है इंटेलिजेंट एजेंट्स इनको बोलते हैं इन सॉफ्टवेयर को Uh, these are the software programs uh, which assist their users and act on their behalf, such as a computer program that helps you in news gathering, act uh, autonomously and on its own initiative, has intelligence and can learn and improves its performance in executing its uh, tasks. ये अटानोमसली काम करते हैं इनके अंदर लर्निंग की स्लाइज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनको इनको तैयार किया गया होता है और ये लर्निंग करने के बाद ऑटोमेटिकली अपनी फंक्शनिंग को कोम्प्रूव करते हैं और यूज़र के बिहाफ पे किसी भी काम को सर अंजाम देते हैं आ, दे हेल्प यूज़र्स डील विद इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के रिट्रीवल के लिए या सर्चिंग के लिए इस किस्म के जो बॉट्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं उन्हें यूज़ किया जाता है इनके फीचर्स क्या होते हैं अब ये फीचर्स हमें बताएंगे कि कौन सी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इस किस्म के सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं इसमें सबसे पहली जो कैपेबिलिटी या फीचर है वो है अटानोमी का अटानोमी क्या है द एबिलिटी टू डू मोस्ट ऑफ द टास्क विदाउट एनी डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स कि ऑटोमेटिकली काम करें अपने तौर पर काम करें बगैर किसी हेल्प के विच इंक्लूड्स ह्यूमन एंड अदर एजेंट्स वाइल कंट्रोलिंग देयर ओन एक्शंस एंड स्टेट्स ठीक इसमें किसी भी बैरूनी तो मदद के बग़ैर ये अपने तौर पर काम करें इनका दूसरा फीचर है सोशल एबिलिटी सोशल एबिलिटी क्या है द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर एजेंट्स एंड ह्यूमंस कि जहाँ ज़रूरत हो ये दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ या ह्यूमंस के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकें इनका तीसरा फीचर है रिस्पॉन्सिनेस रिस्पॉन्सनेस क्या है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली फैशन टू प्रसिवड चेंजिस इन द एन्वायरमेंट अगर अगर काम करने के दौरान एनवायरमेंट में कोई तब्दीली आए तो ये उसको महसूस भी करें और उसको टाइमली जो है वो रिस्पॉन्ड भी करें इनकलूडिंग चेंजेस इन द फिज़िकल वर्ल्ड अदर एजेंट्स और द इंटरनेट कि कहीं भी कोई चेंज आती है तो उसको इनको तैयार इस तरह से किया गया होता है इन सॉफ्टवेयर को कि वहाँ पे लोकली फ़ौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करें इसमें जो नेक्स्ट फीचर है वो है पर्सनलाइजेशन का इसका मीनिंग है द एबिलिटी टू टू इट्स यूजर्स नीड्स बाय लर्निंग फ्रॉम हाउ द यूज़र रिएक्ट्स टू द एजेंट्स परफॉर्मेंस कि एजेंट जब अपना आउटकम यूज़र को देता है तो यूज़र किस तरह से उसको रिएक्ट करता है उस रिएक्शन से ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लर्न करता है और अपने सिस्टम के अंदर एडेप्टेसन ले के आता है इसमें जो नेक्स्ट फीचर है वो है इनिशिएटिव का इनिशियेटिव ये है एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू तो टेक इनिशियटिव बाय इट्सल्फ ऑटोनसली आट, आउट ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बाय इट्स यूजर एंड स्पॉन्टेनियसली कि फ़ौरी तौर पर और ऑटानोमसली बगैर किसी की हेल्प के ये नए इनिशिएटिव जो है वो ले सकता है नए काम कर सकता है इसके अंदर यूँ समझिए कि इंसानों से मुस्तार ली गई एक सोचने समझने की सलाहीय जो है वो शामिल कर दी जाती है इसका नेक्स्ट फीचर है एडेप्टिविटी। एडेप्टिविटी क्या है द कैपेसिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसिसमूलेट कि जो इसने लर्न किया उसकी रोशनी में अपने आप को चेंज कर सके इसमें फिर एक फीचर होता है कॉपरेशन का द इंटरेक्टिविटी बिटवीन एजेंट एंड यूजर इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वन वे वर्किंग ऑफ ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर में वन वे वर्किंग होती है इसमें क्या है कि इसमें इंटरेक्टिव होता है कि यूज़र के साथ ये रबते में रहता है और यूज़र की तरफ से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करता है और फिर उससे लर्न करके अपने तौर पर भी अडेप्टेसन की सलाहियत रखता है अब के एम के फील्ड में यानी नॉलेज मैनेजमेंट के फील्ड में इस तरह के जो इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं उनका यूज़ कहाँ होता है इसमें एक मिसाल है पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जिसकी एक मिसाल फिल्टरिंग ई मेल है और दूसरी इसकी मिसाल है इलेक्ट्रॉनिक कामर्स जहाँ परचेजिंग और बाइंग के लिए इंफॉर्मेशन को लोकेट किया जाता है इसकी एक और मिसाल है मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे मिसाल के तौर पर शेडूलिंग अपॉइंटमेंट्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हैं वो भी नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं और उसमें ये इंटेलिजेंट एजेंट्स जो है वो काम करते हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स की कैटेगरीज कौन सी होती हैं इसमें एक है सबसे पहले वॉचर एजेंट्स दे लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अगर स्पेसिफ़िक होगी तो उसको सर्च करने के काम आते हैं उसके बाद है लर्निंग एजेंट्स कि टेलर टू एन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस बाय लर्निंग फ्रॉम द यूजर्स पास्ट बिहेवियर यूज़र के पास्ट बिहेवियर से ये लर्न करे और लर्न करने के बाद एक्शन करे उसके बाद है शॉपिंग एजेंट्स के कंपेयर द बेस्ट प्राइस फॉर एन आइटम डिफरेंट सोर्सेज से प्राइस लेके तो किसी भी आइटम की जो है वो बेस्ट प्राइस को सजेस्ट करता है इसके अलावा एक कैटेगरी है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एजेंट्स इनका काम क्या होता है हेल्प द यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन एन इंटेलिजेंट फैशन ये कॉम्प्लेक्स uh, किस्म की इन्फॉर्मेशन पेचीदा किस्म की इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के काम आता है इसके बाद है हेल्पर एजेंट्स हेल्पर एजेंट क्या करते हैं दे परफॉर्म टास्क ऑटानोमसली विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन के बग़ैर आप इनके ज़िम्मे जो भी टास्क लगाएंगे इसमें रोबोट्स भी शामिल हो सकते हैं कि वो किसी भी फंक्शन को जिसके लिए वो बनाए गए हैं वो बगैर किसी इंटरवेंशन uh, के बगैर किसी इंटरेक्शन के उसको परफॉर्म करते हैं इन्हें हम हेल्पर एजेंट्स कहते हैं आ, इसमें जब हमारा वास्ता पड़ता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड के साथ कि इंटरनेट के आने से कंप्यूटर के आने से पिछले जो तीस चालीस सालों में इस दुनिया के अंदर तब्दीली आई है उसमें इंसान इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है इंफॉर्मेशन एक एक्सप्लोजन की शक्ल में इंसान के सामने है तो इसको डील करने के लिए इसमें काम करने के लिए इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इंसान के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो टाइप की होती हैं इसमें एक है इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग की प्रॉब्लम इसका मतलब ये है कि वी मस्ट गो थ्रू एन अनर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द स्मॉल पोर्शन दैट इज़ रेलिवेंट टू अस कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हमें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन में से इन्फॉर्मेशन के एक बहुत बड़े ढेर में से एक सुई जैसे तलाश करते हैं या एक कील जैसे तलाश करते हैं उससे हमारा वास्ता होता है और दूसरी है गैदरिंग कि देर इज़ नॉट एन ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अस एंड वी हैव टू सर्च लॉन्ग एंड हार्ड टू फाइंड वट वी नीड कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है नहीं लेकिन एक बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन के ढेर में से अपने काम की इन्फॉर्मेशन को तलाश करना हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है